बात करेंगे स्मार्टफोन की, जिसकी मार्केट इतनी ज्यादा बड़ी हो चुकी है कि इसमें आए दिन इतने ऑप्शन आ रहे हैं कि अब ये भी एक चुनौती बन गया है कि कौन सा फोन लें, आपके बजट में कौन सा फोन आता है और इस वक्त सबसे बढ़िया स्मार्टफोन ऑप्शन क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। आपके पास है स्मार्टफोन तो पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में है। पिछले एक साल में भारत में स्मार्टफोन की डिमांड तेजी से बढ़ी है। बढ़ती डिमांड के साथ नए नए प्लेयर्स भी मार्केट में आ चुके हैं। दुनिया की हर स्मार्टफोन कंपनी के लिए भारत एक बड़ा बाजार बन चुका है और इसके चलते स्मार्टफोन ग्राहकों के अच्छे दिन आ चुके हैं। तेजी से बढ़ रही है स्मार्टफोन मार्केट। ग्राहकों के सामने अब ढेरों ऑप्शंस, बजट से लेकर प्रीमियम रेंज की बहार, कम कीमत में भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, 4G टेक्नोलॉजी और बेहद सस्ते डेटा ने भी सोने पर सुहागा कर दिया है। साल 2018 की ही बात करें तो हिंदुस्तान की मार्केट में बजट से लेकर प्रीमियम सेगमेंट के कई फोन लॉन्च हुए हैं। लेकिन आप कौन सा फोन खरीदें, कौन सा फोन ना खरीदें, आपके बजट में बेस्ट स्मार्टफोन ऑप्शंस क्या हैं, कम पैसे में बेहतरीन फीचर्स किस स्मार्टफोन के हैं, गेम ऑफ फोन्स में आज हम आपकी सारी मुश्किलें आसान कर देंगे। भारत में ये मार्केट इतनी तेजी से बढ़ी है कि भारत जल्दी ही चीन को पछाड़कर दुनिया का सबसे बड़ा स्मार्टफोन बाजार बन सकता है। इस समय भारत चीन के बाद दुनिया का सबसे बड़ा स्मार्टफोन मार्केट है। इस समय भारत में करीब 400 मिलियन यानी करीब 40 करोड़ स्मार्टफोन यूजर्स हैं, जबकि देश की कुल आबादी करीब 130 करोड़ है। इसी को देखते हुए देसी कंपनियों के साथ अब विदेशी कंपनियां भी भारत में तेजी से मैन्युफैक्चरिंग बेस बना रही हैं। यही वजह है कि सैमसंग ने भारत में दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया है। वैसे ग्राहकों के लिए तो अच्छा ही है, जितना मार्केट में कॉम्पिटिशन होगा उतना ही उन्हें फायदा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।